हाय गाइस, आज हम सीखेंगे तंदूरी चिकन लेग और तंदूरी टिक्का बनाना ओटीजी ओवन में। ये हमने 1 किलो चिकन लेग लिया है और 1 किलो लिया है चिकन ब्रेस्ट टिक्का, जिसको हम लोग मैरिनेट करने जा रहे हैं। तो इसका एक बार प्रोसेस जान लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। ये है दाना मेथी और ये है जीरा, इसे हम तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा नींबू। ये हमने गरम तवे पे मेथी दाना डाल लिया है और ऑलमोस्ट 3.5 चम्मच हमने जीरा डाला है। अब हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये है हमारे शेफ आनंद गोलस, हमारी मेजबानी कर रहे हैं आज दिल्ली में। चिड़चिड़ की आवाज आने लगी है, हम इसको तब तक करेंगे जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। वैसे हम आनंद इसको बना करके क्यों नहीं रख लेते यार? क्यों, फ्रेशनेस नहीं आती। There is no, पता नहीं, मेरे को I think फ्रेशनेस नहीं आती। मतलब जब भी ये चिकन टिक्का और ये चिकन लेग बनाते हो तो फ्रेश इसको रोस्ट करते हो? And not even in mixing, in mortar and pestle. मसाला हमने जो भी रोस्ट किया है ठंडा हो जाए, हम एक काम करते हैं, हम तब तक इसमें नींबू डाल देते हैं। 3 बड़े साइज के नींबू लिए हैं हमने और ये हम चिकन के ऊपर अच्छे से डाल देंगे। नींबू डाल दिया हमने, बेसिकली नींबू इसको टेंडर करेगा और मीनवाइल हम यहाँ पे उसको पीस लेंगे। इसको दरदरा रखेंगे या पूरा पीसेंगे? पूरा पीसेंगे। दरदरा में जनरली अगर मेथी मुंह में आती तो लोगों को कड़वी लगती है। हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल पिस चुका है और अब हम ये इसमें डालने वाले हैं। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि हमने इसमें 3 बड़े साइज के नींबू ऑलरेडी हम इसमें डाल चुके हैं, जो कि इस चिकन लेग को और चिकन ब्रेस्ट को टेंडर करेगा और ये हमने मसाला ऊपर से इसमें डाल दिया है। अब इसमें 2 चीज़ें मुख्यतः और डलेंगी, जो कि है लहसुन और दही। उससे पहले हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, लगभग 3 से 4 चम्मच छोटी वाली, और ये है स्वाद अनुसार नमक। लगभग 2 चम्मच हल्दी। अब बारी है लहसुन की। लहसुन हमने ऑलरेडी लहसुन छील के उसको हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है और लगभग हमने 2 चम्मच इसमें लहसुन पेस्ट डाला है। अब बारी है दही की। इसमें अब हम दही 3 चम्मच दही डालने के बाद, थोड़े बड़े चम्मच लिए हमने दही के, लगभग होगा मेरे ख्याल से 300 ग्राम 300 ग्राम है। उसके बाद हमने गरम मसाला डाला है और अब हम थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। सरसों का तेल मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। मैरिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, सबको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम लगभग 1 घंटा या अगर टाइम हो तो 2 घंटे आपको मिनिमम मैरिनेट करने पड़ेंगे। राइट, फ्रिज में। राइट, 1 घंटा 1 घंटा फ्रिज में और नॉर्मली 2 घंटे। ठंड का टाइम है और ऑलरेडी चिकन जो था वो ठंडा था, तो इसको हम फ्रीज नहीं करके केवल नॉर्मल फ्रिज में रख देंगे मिनिमम 1 घंटा। हमने ओटीजी को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। अब हम, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, इस मैरिनेटेड चिकन को इसके अंदर डालेंगे और लगभग इसको 20 मिनट तक हम लोग हीट करेंगे इसी टेम्परेचर पर। दिस इज हाउ इट लुक्स, इजंट इट यमी गाइस? आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।